Ayush is saying how to deal with a failure. What can you do? What has happened, what can you do? There is no use crying over spilt milk. अब पछताए हो क्या? अब क्या करोगे? चिड़िया के पीछे दौड़ोगे? नहीं, दोबारा बीज बो, और बीज बोने का मन नहीं तो जाके सो जाओ, आराम कर लो भाई। अच्छी बात है, फसल तो तबाह हो ही गई, मौका मिला थोड़ा आराम कर लो। फेलियर क्या है बेटा? कुछ हो गया है, यही है ना, एक घटना घटी है, उस घटना का नाम फेलियर है। ये ठप्पा तुमने लगाया है। मैं अभी बोल रहा हूँ, वो सो गया, जग गया, तो ये घटना है कि वो सो रहा है, दुर्घटना भी कह सकते हो, मैं सिर्फ घटना कह रहा हूँ। ये घटना है कि हमारा दोस्त सो गया। अब मैं कहूँ ये मेरी फेलियर है कि मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ इसलिए तुम सो गए, और मैं रोना शुरू कर दूँ और यहीं पे आमरण अनशन कर दूँ कि जब तक तुम जगोगे नहीं तब तक हम पानी नहीं पियेंगे, तुम सो कैसे गए, हमारी तौहीन हो गई, तो पगला मैं हूँ। अरे उसे जो करना है कर दिया। हर फेलियर में इतने सारे कारण होते हैं, इन्यूमरेबल फैक्टर्स, तुम उनका कर क्या सकते हो? जो होना था हो गया, क्या करोगे? बस छूट गई तो क्या करोगे? गाली दोगे पीछे से? हाँ, क्या करोगे? रात गई, बात गई, कुछ नहीं करना है। फेलियर अपना कोई निशान नहीं छोड़ जाती, वो पूरी होती है अपने आप में, कंप्लीट। दिक्कत तब होती है जब तुम जबरदस्ती उसके निशान कायम रखते हो, स्मृति के तौर पे, मेमोरीज के द्वारा, तब बड़ी दिक्कत होती है। वरना जिसको तुम असफलता कह रहे हो वो सिर्फ एक घटना है जो घट के खत्म हो गई, गई, अब कहीं नहीं है, घटी और घट के खत्म हो गई ना, या अभी भी है, चांटा पड़ा या अभी पड़े ही जा रहा है, चांटा पड़ा था, अब थोड़ी है कि लगातार पड़े ही जा रहा है, ये टनाटन टनाटन अभी बज ही रहा है, अब तो नहीं बज रहा है ना, बजा था और बज के बात पूरी हो गई, उसने कहा आप जाओ और कब दोबारा मेरे घर के चक्कर मत लगाना, अभी मेरा पड़ा है, अगली बार मेरे भैया का पड़ेगा। और लगातार थोड़ी पीछे से मारने आ रही है कि डंडा लेकर के। दिक्कत क्या है कि हमारे लिए वो घटना कभी पूरी होती नहीं। कैसे नहीं पूरी होती? अब आ गए हैं जनाब पिटके और घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, और सोच के क्या कर रहे हैं? फोन मिला रहे हैं आशुतोष को कि डिसीजन मेकिंग करनी है। अब डिसाइड करना है कि क्या करूं। अरे पिट लिया, अब कम है, हो गया, अब क्या डिसाइड करना है, आगे की देखो। पर हम घटना को कभी पूरा होने देते नहीं, हम उसके निशान बाकी रखते हैं, उसके चिन्ह हम बाकी रखते हैं मेमोरीज के तौर पे, और वही मेमोरीज फिर हमें तड़पाती रहती हैं। यही करते हैं ना हम। एक फिल्म आई थी, बड़ा उसमें प्यारा सीन था, वो उसको छोड़ के भाग गया होता है, तो वो उसके नाम नहीं याद है, वो उसके सारे लव लेटर्स लेती है, कमोड में डालती है और फ्लश कर देती है। फ्लश करो नहीं तो बदबू उठेगी, जरूरी है। तुम वो संभाल के रखोगे और हर रात को सोने से पहले एक बार देखोगे और आंसू बहाओगे, और जो तुम्हारे खास दोस्त होंगे उनको SMS करोगे, गंदे गंदे सेंटिमेंटल इमोशनल, मैं रो रहा हूँ तू भी रो। खत्म हो गई ना बात। तुम में से कई अभी तक बैठे होगे, मैं कहाँ फंस गया, मैं तो IIT मटेरियल हूँ। या तो दोबारा JEE लिखो
कोई दिक्कत नहीं है, लिखो फॉर्म भरो, दोबारा लिखो, तिबारा लिखो, पांच बार लिखो, जितनी बार अलाउड हो उतनी बार लिखो, या फिर चुपचाप ऐश करो, जहां हो वहां पूरी तरह रहो। पर हम ऐसा करते नहीं। आज से 2 साल पहले एक घटना घटी थी, कोई रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और वो दिन आज तक हमारे दिमाग पर अंकित है। वो दिन जून का महीना था, जेई का रिजल्ट निकला 10 तारीख, मैं भैया के साथ गया। तुम सब कुछ भूल जाओगे पर जो अपने दुख के क्षण हैं, असफलताओं के क्षण हैं, उनको तुम नहीं भुलाओगे, उनमें बड़ा आनंद आता है तुम्हें। याद कर करके तुम्हें पता नहीं क्या बल मिलता है उससे, कि मैं बेचारा हूँ, घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूँ, बड़ा आनंद आता है। और मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे बैठे होंगे, जानते हो तुम्हारे सेक्शन में कुछ हैं ऐसे जिन्हें इसी में आनंद आता है कि दुनिया ने मुझे कितने कष्ट दिए, मैं कितना हारा, कितना पिटा, मैं अकेला सच्चा आदमी हूँ, सारे झूठों ने मिलकर मेरी ये पिटाई लगाई है। तुमने इस बात को अच्छे होने का सबूत मान लिया है कि मैं हमेशा असफल रहा। तो है ना कि गुड गाइस फिनिश लास्ट, ये थोड़ी कहा गया है कि ओनली गुड गाइस फिनिश लास्ट। तुम कहते हो क्योंकि मैं हमेशा अंतिम रहा हूँ, आखिरी पिटा फिसड्डी, तो इसीलिए मैं गुड गाय, तुम्हें इसी का आनंद मिलता होगा अपनी असफलताएं याद रखने में, कि शायद असफलता का कोई संबंध है वर्च्यू से, अच्छा होने से। एक दिन बीता, अगला दिन पूरा नया है कि नहीं है, बोलो। कोई दिन याद रखता है क्या कि पिछला दिन में क्या था? आदमी याद रखता है। दुनिया में प्रलय आ जाए तो भी अगला दिन पूरा नया होगा। चांद तारे सूरज कोई याद नहीं रखते कि कल क्या हुआ था, आदमी याद रखता है। बात तो यह है कि जानवर भी कम याद रखते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं पर वो भी कम याद रखते हैं। आदमी सिर्फ अपने ही नहीं याद रखता, मेरे दादाजी के दादाजी को फलाने ने मारा था, अभी तक कोर्ट केस चल रहा है और मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है। आज से 300 साल पहले मेरी कौम पर दूसरी कौम ने बड़े जुल्म किए थे, दंगा मैं करूँगा और जाके उन लोगों को मार के आऊँगा। आज से 600 साल पहले तुमने फलाना मंदिर या मस्जिद गिरा दी थी, अब मेरा काम है तुम्हारी मस्जिद या मंदिर को गिरा देना। मैंने आज से 20 साल पहले माँ को वचन दिया था, माँ मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। एक फिल्म आई थी ना, उसमें अपनी माँ से बोलता है, ये भी करेगा वो भी करेगा सब कुछ करेगा तेरा फैजल। तो ऐसा क्या मुझे नाम नहीं पता है? मुझे दोनों नाम पता थे। तो वैसे ही सब कुछ याद है मुझे, मैंने वचन दिया। तुम अतीत अतीत है, पास्ट इज पास्ट, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। मैं यही नहीं कह रहा कि पुरानी असफलताओं को भूल जाओ, फेलियर्स को, मैं कह रहा हूं पुरानी सफलताओं को भी भूल जाओ। एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, उसका भी नाम मुझे पता है पर तुम बताओगे। वो कहता था जब उसने पहले 200 बनाए, फिर 300 बनाए, फिर 400 भी बना गया, तो बोलता है, तो बोलता था कि हर 50 रन के बाद मैं ऐसे खेलना शुरू करता हूँ जैसे मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरे 100 रन हो गए, मैं सोचता हूँ मैं 0 पर हूँ। मैं यही नहीं कह रहा कि असफलता को भूलो, मैं कह रहा हूँ सफलता को भी भूल जाओ। 400 नहीं बन सकते अगर तुम सोचना शुरू कर दोगे 360 तो हो गए ना, 360 पर भूल जाओगे 360 है, ऐसे खेलो जैसे अभी अभी शुरू किया है। हर दिन नया है, हर पल नया है। तुम जो सवाल मुझसे पूछते हो उनमें नया होता क्या है? आधे सवाल तुम्हारे वही हैं जो सुबह सुबह मैंने उत्तर दिया है, और सुबह उनको जो उत्तर दिया है उनमें आधे सवाल वही थे जो पिछले साल तुम्हारे सीनियर्स को बोलता था, उनमें आधे सवाल वही थे जो उनके सीनियर्स को। अब मैं ये सोचना शुरू कर दूँ और याद रखना शुरू कर दूँ कि पहले क्या करा था और वही दोहराना ही तो है, तो फिर हो गया काम, तुम्हें कैसा लगेगा? फिर तो 300 वीडियो हैं,
यूट्यूब पे जाके कह सकता हूँ उनको देख लो, या यहीं पे लेके रखता हूँ, सामने लिस्ट है, तुमने सवाल पूछा, मैंने बटन दबाया और यहाँ स्क्रीन पर चालू हो गया। क्योंकि सवाल कोई भी पूछता है नया तो है नहीं, भूलना पड़ेगा ना कि इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, बिल्कुल भूलना पड़ेगा, एकदम ताज़ा जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा या नहीं, वरना कैसा हो जाएगा? सफलता भी भूलनी पड़ेगी और असफलता भी भूलनी पड़ेगी, तब जीवन ताज़ा रहता है, फ्रेश, समझे?